शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आप सबको आज हम इस एपिसोड के अंदर एक ऐसी चीज दिखाने जाते हैं जिसका वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत ही अनेरा और बहुत ही महत्व है। जैसे कहते हैं ना, दुर्लभ चीज है ये। जो गैजेट आप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो गैजेट आपको बहुत आसानी से भी प्राप्त हो सकता है, बाई चांस ही आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो गैजेट है वो बहुत ही रेयर केस में कई पूजा भंडार की दुकान में देखे जाते हैं। अभी आज हम आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिखा रहे हैं, जो वास्तुशास्त्र के वैदिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर घर के अंदर कोई प्रकार का वास्तु दोष हो, चाहे वो नॉर्थ दिशा का हो, चाहे वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का हो, चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन का हो या पश्चिम दिशा का हो, तो ये जो चार पांच दिशाएं मैंने आपको बताई है, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ बहुत ही संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा है, जो हमारे जीवन को एक आगे ले जाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अगर हम उत्तर दिशा की बात करेंगे, तो वहाँ पे अगर नॉर्थ डायरेक्शन का वास्तु दोष होगा, तो आज तक हमने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अगर उसको हम फाइनेंस के साथ जोड़ेंगे तो धन कमाने के नए नए अवसर हमें, कुछ नहीं होता, घर के अंदर पैसा नहीं आता, पैसा टिक नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, कि कहीं पे हमको बिजनेस नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही। पर साथ साथ आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर मेडिकल वास्तु के साथ जोड़ा जाए तो नॉर्थ दिशा वो जो डायरेक्शन है वो है घर के मुख्य व्यक्ति, मुख्य फीमेल यानी स्त्री यानी हमारी माता की डायरेक्शन। अगर आपके घर के अंदर आपकी माता जी बीमार रहते हैं, अक्सर उनको एज वाइज समझो, एक एज है और बीमार है तो कोई बात अलग है, पर उनकी एज नहीं है, थोड़े शरीर से भी मजबूत है, पर आए दिन कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू बने रहते हैं, बीमार रहते हैं, घर में कभी ना कभी इतना मेडिकल लग जाता है उनके पीछे कि उनके साथ जो हमारा कहते हैं ना, उनको शरीर कष्ट हमें देख नहीं पाते, उनका इतना सारा उनको कष्ट मिलता है। तो इस बात की भी आज हम आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं और एक गारंटी भी दे रहे हैं, अगर आप वो नॉर्थ दिशा में जाके कुछ वास्तु दोष है अगर उसको आप क्लियर करोगे, तो पैसा तो आता ही रहेगा, साथ साथ आपके घर के जो मुख्य जो कहते हैं स्त्रियाँ, जैसे आपकी माता हो गई या आपकी बड़ी बहन हो गई, तो उनकी भी हेल्थ यहाँ पे बहुत ही अच्छी रहेगी। इसी तरह मैं आपको इस गैजेट के बारे में जो बता रहा हूँ, वो जो गैजेट है, वो जो रेमेडी है, ये बछड़े के साथ इच्छा पूर्ति गाय, ये गाय ये बछड़े को इतना प्यार कर रही है और बछड़ा गाय को धो रहा है, यानी वो उसका स्तन पान कर रहा है। तो आज ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये गैजेट अगर आप अपने घर में कौन सी दिशा में रखोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, और ये क्यों रखना है, इसका रखने का रीज़न क्या है, ये सब आपको इस वीडियो में ले जाएंगे। कृपा करेंगे आप ये वीडियो पूरी देखना जिससे आपको इसका कंसेप्ट पता चले। फ्रेंड्स, इसके लिए अभी हम आपको एक यहाँ पे एक चार्ट पे लेके जा रहे हैं, तो ये आप देखोगे आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर आपके घर के अंदर इस नॉर्थ डायरेक्शन में यानी जीरो डिग्री जो हमारी कंपास है, उस नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी शौचालय आ रहा हो या सीढ़ियाँ आ रही हो, या फिर आप समझ लो कि स्टोर रूम आ गया, गंदी सेफ्टी टैंक आ गई, यहाँ पे सीढ़ी आ गई, शूज रैक रख दिया, कोई भी प्रकार का ऐसा वास्तु दोष है, अगर ये चीज यहाँ पे है, तो आप इस नॉर्थ जोन के अगल बगल यानी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जो यहाँ पे ये जोन दिखा रखा है हमने आपका, या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ कहीं पे भी आपको ये गैजेट रखना है गाय का, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, किचन होगा, आपका बेडरूम होगा तो भी चलेगा, ड्राइंग रूम होगा तो भी चलेगा, पर यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। अगर किचन है तो ऑलरेडी एक वास्तु दोष है, तो ये जो गैजेट है वो किचन में मत रखना, कहीं पे भी नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कहीं पे भी ऐसी एक सेल्फ लगा दो कांच की या लकड़ी की, उसके ऊपर ये गैजेट रख दो, हफ्ते में एक बार गैजेट को वॉश करो, और उसको वहाँ पे रखने से जो ये गाय का जो एक प्रभाव है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले तो गौ माता के शरीर के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, यानी कहते ना इतने सारे देवी देवताओं इस गाय के अंदर अपना स्थान ग्रहण किया है, अपना स्थान ले रखा है, कि आपको वैदिक ग्रंथों से पता चलेगा कि गाय का कितना महत्व है, क्योंकि गाय जब भी हमारे घर के अंदर कहीं पे भी समझो कि आपके मुख्य द्वार है और वहाँ पे गाय आके खड़ी रहती है और वो उसका मुंह हमारे घर के अंदर की दिशा की तरफ रखती है और वहाँ पे श्वास श्वास करती है, तो समझ लो कि ये आपके घर के अंदर कुछ लेने नहीं आई, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी सकारात्मक ऊर्जा देने आई है। इसी कंसेप्ट से लेके आज गाय की स्थापना यानी ये गैजेट की स्थापना हम यहाँ पे करवा रहे हैं, जिससे यहाँ पे हेल्थ इश्यू हो वो सोल्व हो जाए, इनकम के प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमको मिलती है, वो सब यहाँ से समाधान हो जाएगा। दूसरा है
साउथ वेस्ट कॉर्नर, अगर यहाँ पे भी एंटी एक्टिविटी आ गई, शौचालय आ गया, टॉयलेट आ गया, टब आ गया, या फिर कुछ ऐसी अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गई, कुछ भी अगर इधर बन गया, तो इसके दोष निवारण हेतु भी, और यहाँ पे आप इस जोन के अंदर या साउथ जोन के अंदर कहीं पे भी एक सेल्फ लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर शौचालय, तो शौचालय में लगाने की बात नहीं कर रहा, उसके अगल बगल अच्छी जगह, शुद्ध जगह देख के जो आपके रूम के अंदर आ रही हो, वहाँ पे एक सेल्फ पे ये गाय का चित्र लगा दीजिए। ये आपका अगर इधर बेडरूम है, तो बेडरूम में भी अगर इस गौ माता का ये बछड़े के साथ जो स्तनपान करती गौ माता का चित्र है वो मिलेगा तो भी चलेगा, और स्टैचू अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो अति उत्तम है, उसको यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट दाम्पत्य जीवन का कॉर्नर है। यहाँ से हमें पति पत्नी के रिलेशन का सुख प्राप्त होता है, यानी जिन दंपति को संतान प्राप्ति की इच्छा है उनके लिए भी ये सौभाग्य लाके आएगी, क्योंकि बछड़े के साथ गाय है। ये खास ये आपका कंसेप्ट देखिए, इसमें पहले तो करोड़ों देवी देवताओं का वास है, यानी ये इतना धार्मिक और इतना पवित्र स्टैचू है कि अगर इसको हम मानेंगे तो ये बहुत कुछ है। ये कहते हैं ना, मानो तो गंगा है, नहीं तो बहता पानी है, उसी तरह ये चीज में भी अगर आप बिलीव करोगे, श्रद्धा रखोगे, तो समझो कि ये इतना बड़ा गैजेट है कि आप खुद कहोगे कि इसको रखने के बाद हमें बहुत ही फायदा हुआ है। साथ में गौ माता है, गौ माता है, उसका बछड़ा है जो स्तनपान कर रहा है, ना दूध पी रहा है, तो इसी कंसेप्ट को लेके अगर ये आपके बेडरूम में होगा साउथ वेस्ट के अंदर, तो जिन दंपति को कोई कारणवश या वास्तु के दोष के कारणवश अगर संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे, तो तुरंत उनको शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और उनके घर के अंदर खुशहाली आएगी। तो ये एक चीज आप यहाँ पे भी रख सकते हो साउथ वेस्ट के अंदर। उसी तरह अगर ईस्ट कॉर्नर में भी अगर आपने ये स्टैचू रख दिया या इस चित्र को भी स्थापित कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको क्या बेनिफिट्स होगी कि ये पारिवारिक सुख, यानी घर के अंदर हर किसी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, घर में अगर कोई तनाव होगा तो तनाव दूर होगा, घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, पैसे की वृद्धि होगी, एक दूसरे के लिए सबको एकदम मन मिलाप रहेगा, किसी के साथ किसी का मन मुटाव होगा वो भी सोल होगा, खास करके माता और पुत्र, माता और पुत्र के बीच में भी जो मन बुटा हुआ है, तो उसको ईस्ट जोन में रखने से, यानी पूर्व क्षेत्र में रखने से यहाँ पे भी उनको ये बेनिफिट होगा। इसी तरह अगर आप इसको पश्चिम दिशा में भी स्थापित कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके गेन प्रॉफिट, यानी आपके जो कहते हैं ना लक्ष्य को आप पूरा कर पाओगे, और आपको जीवन के अंदर हमेशा फायदे रहते रहेंगे, क्योंकि ये ईश्वर की ही, ईश्वर कोटि समान ही गौ माता है, अगर यहाँ पे रख दिए तो इनके आशीर्वाद के थ्रू आपको जीवन के अंदर हर तरह के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, आपकी हर तरह की मनोकामना होगी वो सिद्ध होगी, आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि आएगी, आपके कोई भी शुभ कार्य के अंदर बाधा है वो दूर होगी, आपके घर के अंदर बीमारी का प्रकोप है वो भी दूर होगा, आपके घर के अंदर कलेश है वो भी दूर होगा, क्योंकि इसके अंदर इतना सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। अगर ये चीज आपने घर में स्थापित कर दी, ये जो मैं 4-5 दिशाएं दिखा रहा हूँ, तो वहाँ के सबके कोई भी नकारात्मक ऊर्जा के वास्तु दोष, यानी वास्तु दोष से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसको ये सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे, और इससे बहुत ही घर के अंदर फायदा रहेगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ये गौ माता का हम क्या क्या उपयोग करवाते हैं, ये तो स्टैचू के तौर पर है, पर अगर हम आपको समझाऊंगा, कभी भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहले हम उस प्लॉट के अंदर गौ माता को 7 दिन तक यहाँ पे हम बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो 7 दिन तक यहाँ पे गौ माता घूमती रहती है, उनको गाय चारा दूध प्रोवाइड कराते हैं, और वहाँ पे ये मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो ये जो भूमि होती है पूरी सकारात्मक हो जाती है। अगर अभी 7 दिन तक यह प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो 1 डे रात को यहाँ पे गौ माता को बांध दीजिए, 24 घंटे के बाद, यानी सेकंड संध्या काल को बांध दिए, और दूसरे संध्या काल को वो गौ माता को वहां से हटा दीजिए, तो वो पूरा एक 24 घंटा का पूरा एक प्राप्त काल, यानी 24 घंटे यहाँ पे गौ माता बिताएगी इस प्लॉट के अंदर, और वहाँ पे उनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, उनको स्नान करवाइए, उनका मल मूत्र वहाँ त्याग करवाइए, उनको भोजन दीजिए, तो ये जो भूमि है ये इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपको बाद का कोई भी वास्तु दोष होगा वो सब यहाँ से नील हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फ्लोरिंग करवा रहे हो, मीन्स कभी भी कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी बंगला है, वहाँ पे हम फ्लोरिंग करते हैं, पहले हम क्या कहते हैं, रोड़ा कॉन्क्रीट करके ये जो प्लिंथ है उसकी प्लिंथ निकालते हैं, तो उसकी प्लिंथ पे हम RCC का एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा लेयर डालते हैं, तो उससे पहले अगर आप गोबर का लीपन कर दोगे यहाँ पे, यानी गौ माता के जो गोबर है उसमें से आप उसकी लिक्विड फॉर्म में से ऐसी एक लिक्विड पेस्ट बनाइए, और उस गोबर को पूरे वास्तु, यानी पूरे घर के अंदर
लीपन कर दीजिए या लीप दीजिए, तो इससे क्या होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। यानी ये जो गौ माता से रिलेटेड वास्तु शास्त्र के इतने सारे उपाय है कि आप इसको समझ भी नहीं सकोगे कि हमारा जो वैदिक शास्त्र है वो कितना प्रभावशाली है और कितना महत्व है। अगर यहाँ पे गौ माता का कहते ना कि हम गौ माता का जो मूत्र है, मूत्र यानी उनका जो मूत्र का पानी, मूत्र भी अगर यहाँ पे हम छिड़कवा कर देते हो तो वास्तु दोष का नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे, रेडीमेड मकान में रह रहे हैं या हमारा जो मकान है वो तैयार हो गया और बाद में हम खरीद रहे हैं, किसी के रेंटेड मकान में रह रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस की है उसकी मिरर इफेक्ट क्या है। तो मिरर इफेक्ट में आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये गौ माता का ये जो स्टैचू है वो भी ये खास स्टैचू के जिनमें उनका संतान यानी बछड़ा होना चाहिए और वो स्तनपान करता है, दूध पीता हुआ होना चाहिए। ये स्टैचू अगर आप घर में स्थापित कर देंगे तो इससे बहुत ही बड़ा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें इतना कह रहे हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी जी, आप कोई भी देवी देवता के नाम जानते हो या उसके आराध्य देव है, आपके सबका समावेश इस गाय माता के अंदर है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई उलझन है, आप ये वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हो क्योंकि वीडियो ही ऐसी है कि आपको कौन सी दिशा में कैसे रखना है वो आपकी एक प्रॉब्लम्स लेके आपको रखना है, यानी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप मेरे ये व्हाट्सअप का जो नंबर है उस पर कॉल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम हमें कीजिए, आपके पास स्टैचू अवेलेबल है तो फिर उससे हम वार्तालाप करके फिर हम आपको कहेंगे कि ये स्टैचू आप इस दिशा में रखिए तो उसका प्रभाव आपको शीघ्र ही प्राप्त हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।